हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रमन इंडियन। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने जन्म से लेकर अभी वर्तमान तक कितने दिन, कितने माह, कितने साल के हुए हैं, ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी भाई मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ आज का दिन, यानी कि मान लीजिए आज 18 तारीख छठा महीना और 2022 चल रहा है, आज का दिन है। और हमारा जन्म हुआ था 12 तारीख चौथा महीना यानी कि अप्रैल में 1995 में। तो हम लोग अपने जन्म से अभी तक मैं कितने वर्ष, कितने दिन, कितने माह का हुआ हूँ, ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग घर देख रहे हैं कि ये दिन है, तो दिन 18 तारीख है और अभी हमारा जन्म हुआ था 12 तारीख को, हम लोग इसको मैनेज करेंगे। तो ये सिंपल है, हम लोग 8 में से 2 गया, यहाँ बच जाएगा 6, तो मैंने लिया और 1 में से गया तो 0, ये हो गया दोस्तों। अब माह में आते हैं, यानी कि महीने में, तो ये छठा महीना और छठा महीना में से चौथा महीना मैनेज करेंगे, तो हम लोग आ जाते हैं 4 में से 4 गया तो 2 और ये 0 दोस्तों। और यहाँ लोग मैनेज करेंगे तो 2 में से तो 5 जाएगा नहीं, फिर से 5 लिए तो 12, 12 में से 5 किया तो 4, इसमें से 1 में से 9 जाएगा नहीं, इसमें 5 लिए तो 11, फिर 11 में से 9 गया तो 2, इसमें से 9, 9 में से 9 गया हो गया, और इसमें से 1 में से गया तो 7 हो गया। यानी कि हम लोग मैं अभी 27 वर्ष 2 माह और 6 दिन का अभी तक मेरा एक निकल चुका है, या फिर देख लिया 27 वर्ष 2 माह और 6 दिन, ये मेरा अभी तक का उम्र निकला है, यानी कि मैं 27 साल का 2 महीना और 6 दिन का अभी तक हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हैं सेम उसी तरह है आज का दिन, जैसे कि आज मान लीजिए 18 तारीख सातवां महीना यानी कि जुलाई और 2022 है, मान के चलिए आज का डेट है। और हमारा जन्म हुआ था मान लीजिए 26 तारीख नौवां महीना और 2021 में, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उम्र निकालेंगे देखते देखते। सबसे पहले तो आपको ये आप देख रहे हैं ये दिन है और ये माह है और ये वर्ष है, हम लोग दिन में से दिन को मैनेज करेंगे। तो यहाँ सीधी सी बात है कि यहाँ 18 है, यहाँ 26 है, 18 में से 26 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग इससे क्या करेंगे, इससे इसमें 5 डालेंगे, यानी कि इससे हम लोग कैरी करेंगे। तो ये तो माह है और ये दिन है, तो इससे हम लोग कैसे कैरी करेंगे ये आप देखिए। ये 7 महीना है, तो 7 महीना में से जब भी इसमें से हासिल जाएगा तो इसमें से 1 मंथ हासिल जाएगा। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 7वां महीना होता है जुलाई का, जुलाई 7 महीना होता है और जुलाई होता है 31 दिन का, तो इसमें जब भी हम लोग पहचान लेंगे तो 31 दिन हमको पहचान लेना पड़ेगा, यानी कि 31 दिन हम लोग पहचान ले लिए। तो अब 31 दिन और 18 दिन कितने होंगे, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 31 दिन और 18 दिन ये हो गए 9 और 3 में 4, यानी कि 49 दिन। अब 49 में से हमको 26 माइनस करना है, तो 49 में से 26 माइनस करने में कितना बचे देख लेते हैं, 9 में 6 गया 3 और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 23 आ रहा है, यहाँ हम लिखेंगे 23। ठीक, अब इसमें कितना बचा है 6, तो 6 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग इससे एक इसमें से पहुँचा देंगे इसको। तो ये जब भी इसमें से पहुँचा जाएगा तो ये तो साल है दोस्तों, वर्ष है, तो वर्ष तो 12 महीना का होता है, तो इसमें से जब भी इसमें हासिल जाएगा तो 12 महीना जाएगा, यानी कि एक वर्ष जाएगा, तो 12 इसमें से हम लोग पहुँचा इसमें ले लेते हैं, 12 ले लिए, तो 12 ये और 7 सॉरी ये उसको 6 बचा हुआ ना, तो 12 और 6 18 में से 9 गया तो 9 बच गया दोस्तों, और इसमें कितना बचा 1 में से 0 हो गया तो 1, इसमें बचा 2, ये 0 कट गया और 2 में से 2 गया तो भी कट गया, यानी कि 21 वर्ष 9 माह और 23 दिन के हम लोग हो गए।
उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को जो एज निकालना ज्ञात हो गया होगा, तो इस तरह हम लोग अपना उम्र निकालते हैं। चलिए जो भी भाई मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।